जो रूल है बोर्ड एग्जाम का, जो रूल है सर, उसको आपको समझना चाहिए कि अगर आपने किसी वन मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कोई पॉइंट लिखा है, कोई एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो वो कितना होना चाहिए, ये बच्चों में बड़ा डाउट रहता है। पहली चीज कि अगर आप इस चीज को लिख रहे हैं, किसी भी आंसर को लिख रहे हैं, तो इस चीज को याद रखिए, अगर वो क्वेश्चन वन मार्क्स के लिए है तो आपको सिर्फ उसके दो पॉइंट लिखने हैं। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू रूल जो चीजें हैं, मैं एग्जामिनर रह चुका हूं तो ये जो चीजें हमें बताई गई पेपर कॉपी चेक करते टाइम पर, ठीक है, वो ये थी कि अगर वन मार्क्स का क्वेश्चन है तो हर एक पॉइंट के लिए हाफ मार्क्स मिलते हैं, अगर वो आंसर करेक्ट है तो। एक पॉइंट लिखा तो हाफ मार्क्स, दूसरा पॉइंट लिखा फिर हाफ मार्क्स, मीन्स व्हाट, अगर वन मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने पॉइंट लिखने पड़ेंगे, टू पॉइंट्स, टू मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने पॉइंट, फोर पॉइंट, थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने पॉइंट, सिक्स पॉइंट, फोर मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने पॉइंट, एट पॉइंट, या फिर अगर एक्सप्लेनेशन है तो कितना लिख सकते हैं सर, मैक्सिमम मैं बताऊं आपको, फोर मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वन एंड हाफ पेज सफिशियंट, इससे ज्यादा मत लिखना, वेस्ट ऑफ टाइम होगा, बहुत ज्यादा वन पेज में भी आ जा रहा है तो ठीक है, अगर बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है तो वन एंड हाफ पेज मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर आपके पास टाइम है तो दो पेज लिखना, इससे ज्यादा कभी मत लिखना। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर क्वेश्चन आ रहा है ना तो उसके बारे में बस लिख रहे हैं तीन पेजेस चार पेजेस, भाई ऐसा नहीं होता, फिर क्या होंगे तुम्हारी मिस्टेक के कारण, कि तुम्हें जो बाकी के क्वेश्चन आते होंगे उनके लिए लिखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें, तो ये मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी। हेलो एवरीवन, जी हाँ बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर पैटर्न के बारे में, कि आपका जो पेपर है वो किस तरह से होगा, उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, पर्टिकुलर कितने सेक्शन होंगे, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का होगा, किस सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, किस सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और कैसे करने हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली चीज कि सर आपका जो टोटल मार्क्स होगा कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जो पेपर पैटर्न होगा उसमें 70 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा प्लस 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, थ्योरी के एग्जाम के बारे में, कि थ्योरी का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें क्या क्या पैटर्न होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 31 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके थ्योरी के एग्जाम में। 31 क्वेश्चन में से कितने सॉल्व करने, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कितने सेक्शन होते हैं सर, तो सेक्शन टोटल होते हैं सर 4, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर 1 सर एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, दूसरा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो एमसीक्यूज होते हैं टोटल होते हैं 10 और जो वेरी शॉर्ट होते हैं ये इनका नंबर होता है टोटल 8। इनमें सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको मिलते हैं 1 मार्क्स। जी हां, 1 मार्क्स मिलेंगे आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, मींस व्हाट, आपको सेक्शन ए में टोटल 18 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो सेक्शन ए से आपको मिलेंगे कितने, 18 मार्क्स, इस चीज को याद रखिएगा। वहीं सेक्शन बी जो होता है मेरे बच्चों, ये 2 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन होते हैं, ये भी शॉर्ट टाइप का होता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो है वो है 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आउट ऑफ 12 आपको सॉल्व कितने करने हैं, 8, तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो टोटल क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए 8 आउट ऑफ 12 तो आपको मिल जाएंगे कितने, 16 मार्क्स। वहीं बात करें सेक्शन सी की, सेक्शन सी जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का होता है, यहां पर भी जो टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो है 12 और टोटल आउट ऑफ 12 आपको सॉल्व करने हैं कितने, 8, तो अगर आपने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि 3 मार्क्स के हैं तो 8 3 जा कितना हो गया, 24, तो 24 आपको मार्क्स मिल जाएंगे सर, ठीक है। हम ये भी जानेंगे कि पर्टिकुलर 1 मार्क्स के लिए आपको कितना लिखना है, 2 मार्क्स के लिए कितने पॉइंट लिखने हैं, हर एक चीज जानेंगे, ठीक है। सेक्शन डी की बात करें, सेक्शन डी में मेरे बच्चों टोटल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5, आउट ऑफ 5 आपको सॉल्व करने होते हैं 3, है ना, और सेक्शन डी में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 4 मार्क्स के, इस चीज को याद रखिएगा, 4 मार्क्स के होते हैं, तो यहां पर टोटल अगर आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको मिल जाएंगे 12 मार्क्स, तो इस तरह से आपके हो जाते हैं टोटल कितने, 70 मार्क्स के क्वेश्चन जी। बाकी
इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।